नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेफ्सा 6 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, डेफ्सा 6 टैबलेट को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट डेफ्सा 6 टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, डेफ्सा 6 टैबलेट की बात करें तो इसको वालेस लाइफ स्टाइल फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर डेफ्ला जाकोर्ट 6 mg इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस टैबलेट का मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों यदि किसी को एलर्जी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी को दमे की समस्या रहती है तो दमे की कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, गठिया में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इस टैबलेट का। यदि किसी को गठिया की समस्या रहती है तो डॉक्टर के द्वारा इसको गठिया में भी दिया जाता है। दोस्तों, चर्म रोग, यदि किसी को चर्म रोग है तो चर्म रोग में भी इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आँखों से जुड़ी बीमारियों में इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। यदि आँखों से जुड़ी किसी को कोई डिसीज़ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, कैंसर में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। यदि किसी को कैंसर जैसी समस्या हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट को केवल डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस्तेमाल किया जाता है। बिना डॉक्टर के एडवाइस पर आप इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इसके डोजेस की बात करते हैं, डॉक्टर के द्वारा एक रोज़ की एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यदि किसी मरीज की स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है तो दिन में 2 बार भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, यह टैबलेट बच्चों के लिए नहीं होती है, आप अपने बच्चों से इस टैबलेट को दूर रखें। दोस्तों, इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सिर दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, पेट में गैस हो सकती है। ये इस टैबलेट के कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।